ऐसा सिचुएशन में कभी क्या खबर सुनना पड़ेगा, ऐसा हमारा मन कुचलते रहते हैं, इतनी तकलीफ होती है। मैं ऐसा आसानी बात कर रही ऐसा नहीं है, मैं अंदर कितना दुखी हो रही। अभी का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 2 बार कोविड अटैक हुआ और 1 बार स्वाइन फ्लू भी हुआ था। जो नॉर्मल पर्सन ही जेल में इतने साल से मुश्किल है जीना, वैसा साई 90% डिफरेंटली एबल्ड एंड पोलियो अटैक मजिल्स एंड नर्व्स वीक हैं, और ये कोविड का अटैक से भी और वीकनेस ज़्यादा बढ़ गया और इम्यूनाइजेशन पावर कम हो गए। अभी 2 दिन के पहले मेरे पास एक चिट्ठी भी आए थे, ये बहुत मुश्किल हो गई। इसके स्पैजम्स एंड क्रैम्प्स, मतलब हाथ पैर ट्विस्ट हो जाती है। विंटर इतनी सीवियर कोल्ड है, ऊपर अंडा सेल में हाफ कवर्ड है, ऊपर सारे खुला रहता है ना, इसलिए सीधा ठंडा हवा चले जाती है। बारिश भी और गर्मी में तो इतना गर्म हवा चला जाता है। वैसा वो अंडा सेल एक ब्रिटिश का टाइम पे टॉर्चर सेल है। जैसे फ्रीडम मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किया, इन लोगों को वो टॉर्चर सेल जैसे वहाँ रख के टॉर्चर करते थे, वैसा अंडा सेल में अभी जो जनता का हित में काम कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ रख के टॉर्चर कर रही है। साथी, हमें पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मीडिया साथियों से भी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुँची। वैसे 2 दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं टाइम वक्त पे पहुँच सकती हूँ। बट हमारा जनता से ही चुन लिया, वो गद्दे पे बैठे हैं, उन लोगों के लिए ही हर जगह अच्छा सा कारपेट बिछाते हैं। वैसे ही रास्ते में हमको कई जगह सीधा रास्ते में आने नहीं दिया, हमारा ऑटो को इधर उधर चलो ऐसा बोलते रहा। एक जगह मैंने वो पंगा भी ले लिया वो ट्रैफिक पुलिस से, क्यों सारे ये व्हीकल्स कार ये सब जा रही, हमारा ऑटो के क्यों रुक रही, ये आपको बताने का ज़रूरी नहीं, ऐसे ही बोला। ऐसे ही एक जगह पार करके मुड़ मुड़ के फिर आया, फिर दूसरी जगह, ऐसे होने में और लेट हो गई। सॉरी फर्दर लेट। और साइबर के केस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हम भी 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने एक्विटल कर दिया, उस समय बहुत खुशी था। पूरा इनका साथी लोग और फैमिली में हम सब पूरा दुनिया में ही लोग बहुत खुशी थे, साई बाहर आ जाएंगे, साई साई के साथ बाकी साथी लोग भी आ जाएंगे, ऐसा इतना कितना फ़ोन कॉल्स आया मीडिया और साथी लोगों से, ये सब मैं बोलते रहा तुम आ जाओ, ऐसा एडवोकेट बोलते रहा नागपुर आ जाओ। ये मेरा ब्रदर इन लॉ ने वहाँ कार लेके पहुँचे थे, फिर हाईकोर्ट ने ये कहा था तुरंत उसी दिन में छोड़ दो, रिहा करो, ऐसा बताने से ब्रदर इन लॉ दोपहर में साई से मुलाकात लेके यही कहा था। मैं आपको लेने कार लेके आए थे, वहाँ लायर्स एडवोकेट्स ने बाकी कार्रवाई के लिए गढ़चिरौली चले गए, फिर वो वापस 6 बजे तक आ जाएंगे, 8 बजे तक तुम
रिहा हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, हम हैदराबाद लेके जा रहे, ऐसे ही कहा। तो इंतज़ार कर रहे साई ने पूरा, ये तो होना ही चाहिए ना, हाईकोर्ट ने एक्विटल का कर दिया। तो इतनी हम देख रही, बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर निकलते रहा। साई ने पूरा अपना सामान जेल में सब बांट लिया, ओनली किताब और लीगल का जो ज़रूरी फाइल्स रख के ये 8 बजे निकल रही सोच के पूरा सामान बांट दिया। फिर इतने में क्या हो रही, इनको तो अंदर है पता नहीं चला, पर क्या हुआ वहाँ गढ़चिरौली में हमारा एडवोकेट सारे पहुँच गए। तो कैश पूछा था, एक को श्योरिटी के लिए 50,000 देना है। फिर सब लोग वैसे ही कैसे होके किसी से रेज करके वहाँ सारे इंतजाम करवाया, बट वहाँ जाने तक वह मजिस्ट्रेट ने नहीं ले रहे। वहाँ कोर्ट में ये कैश का श्योरिटी मना किया। अब फिर ये भी है, होता है ऐसा, वहाँ का जो एडवोकेट्स है कैश का मना किया तो क्या साल्वेंसी का प्रॉपर्टी का कुछ दिखाना है, वो प्रॉपर्टी का कहाँ दिखाएगा हमें, क्योंकि एक तो हैदराबाद का है, एक उत्तराखंड का है, 3 आदिवासी लोग है, एक दूसरा जगह से है, देहरादून से है, ऐसा ये साल्वेंसी वहाँ महाराष्ट्र में लोकल का कौन श्योरिटी दे देंगे, हमको कौन जानते हैं। वैसे इतना मीडिया नेगेटिव महाराष्ट्र में इस केस पे प्रोपगंडा करते हैं, वैसा सिचुएशन में हमको श्योरिटी कहाँ से मिलता है। ये बाकी केसों में आप ही सोचिए, ये पूरा साजिश है, ये सरकार ने साजिश करते हैं, रचित करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उल्टा हमको बोलते हैं ये सरकार को गिराने के लिए हम जो अच्छा सोच से जनता का हित में काम कर रहे उन लोगों को बोलते हैं हम साजिश कर रहे हैं ऐसा। बट साजिश ये लोग कर रहे, क्योंकि इवन वहाँ हमारा एडवोकेट जगदीश मेश्रम है, उनका पापा भी वहाँ साल्वेंसी श्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी का साल्वेंसी बनाने के लिए गया, तो मजिस्ट्रेट उसमें साइन नहीं किया, करवाने नहीं दिया। ये लोग ये यहाँ वहाँ पहुँच के उन मजिस्ट्रेट के पास भी 2 लोग बैठते हैं, यहाँ गढ़चिरौली कोर्ट में जज के सामने भी 2 लोग बैठते हैं ऊपर, फिर हमारा एडवोकेट्स पहुंचने तक कचल मुचल हो जाते हैं, फिर वो रिजेक्ट करते हैं। ऐसा उस दिन ऐसा ख़त्म हो गई। बट इतने में यहाँ दिल्ली में क्या नाटक हो गई आपको भी पता है ना, ये फिर तुरंत जो कभी मर रही बोलेंगे तो भी इनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना है, वो प्रिजनर जेल में मर रही बोल रही तो भी उनको बेल नहीं देते हैं, सुनवाई सुनते नहीं। बट अभी शनिवार को तो कभी सुप्रीम कोर्ट बैठते नहीं, उस समय वहाँ जल्दी बैठ के वो स्पेशल बेंच में फिर ये एक्विटल का स्टे, एक्विटल में स्टे लगाया। ये एक है, ये पीछे देखिए, अभी आप ही सोचिए, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ है ना। फिर साई हेम मिश्रा, प्रशांत राही और बाकी जो ट्राइबल्स, इनको क्यों ये बेल या पेरोल कुछ भी क्यों नहीं मिल रही। बट इन दोनों, इन ये 6 लोगों का तो नो एविडेंस, नो क्राइम, विदाउट एविडेंस यानी विदाउट क्राइम, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2017 में दिया गया है। बट इसी के देखिए आपने, वो मालेगांव हो, गोकुल बॉम्ब ब्लास्ट हो, ये भारत देश में कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो रही, वो इसमें एविडेंस के साथ पकड़ा गया, वो लोग अभी आराम से बाहर निकल के
इलेक्शंस में भी जीत गया और पार्लियामेंट में भी बैठ गए। ऐसा सिचुएशन क्यों? ये जनता, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम जनता चुनने से ही ये लोग यहाँ बैठे हुए, बट ये जो सरकार ने क्या किया, पूरा जनता का हित में कर रही नहीं है ना। हम क्या चाहते हैं, लैंड ग्रैबिंग नहीं होना है और डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है। ये चाहे वो गढ़चिरौली हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, कहीं भी गलत तरीका से लैंड ग्रैबिंग और डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है, हमें तो यही बताया था और इससे अलावा कुछ नहीं बोला। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही पूछ रहे हैं, क्योंकि खुद सरकार ने ये जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही थो, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे। बट हमको जो सरकारी मीडिया ने बहुत खतरनाक टेररिस्ट और माओइस्ट ऐसा टैग डाल देती है, जो प्रोग्रेसिव और जनता का हित में जो बात कर रहे उन लोगों का ऊपर ये डालते हैं टैग करके। हर जगह हमको कोई इवन जस्टिस भी लीगली भी हर जगह हमको कुछ हमारे पक्ष में कोई मिलता नहीं है, सब हमको खिलाफ ही आते हैं। वैसा सिचुएशन में साई को अभी साई ही नहीं, पूरा अगले दिन इतनी लोग फ़ोन करके रोया था, ये क्या हुआ साई, सारे लोग बाहर आ जाएंगे, हमें इतना खुशी में थे, ये क्या हुआ हमें, ये इतना बहुत क्रिटिसिज्म आया, ये फिर भी क्या सरकार इतनी जबरदस्त इन्हीं लोगों को ही ऐसा क्यों कर रहे। आप ये सोचिए, अब सरकार का किसका हित में है, ये इतनी माइनिंग डिगिंग का क्यों दे रहे, ये जहाँ इतना कुबेर मतलब मिलियनेयर्स इंडिया से ही इतने क्यों बन रहे हैं, ये सब आप लोग सोच लीजिए और इसका खिलाफ आवाज़ उठाना है। अभी मैं रिसेंटली इस ये सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट एक्विटल का ऊपर रोक लगाने के बाद मैं साई से भी मिली थी, साई का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि दो बार कोविड अटैक हुआ और एक बार स्वाइन फ्लू भी हुआ था। जो नॉर्मल पर्सन ही जेल में इतने साल से हो, मुश्किल है जीना, वैसा साई 90% डिफरेंटली एबल्ड एंड पोलियो अटैक मसल्स एंड नर्व्स वीक हैं और ये कोविड का अटैक से भी और वीकनेस ज़्यादा बढ़ गया और इम्यूनाइजेशन पावर कम हो गए। अभी दो दिन के पहले मेरे पास एक चिट्ठी भी आए थे, ये बहुत मुश्किल हो गई, इसके स्पैजम्स एंड क्रैम्प्स, मतलब हाथ पैर ट्विस्ट हो जाती है, विंटर इतनी सीवियर कोल्ड है, ऊपर अंडासेल में हाफ कवर्ड है, ऊपर सारे खुला रहता है ना, इसलिए सीधा ठंडा हवा चले जाती है, बारिश भी और गर्मी में तो इतना गर्म हवा चला जाता है। वैसा वो अंडासेल एक ब्रिटिश का टाइम पे टॉर्चर सेल है, जैसे फ्रीडम मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किया इन लोगों को वो टॉर्चर सेल जैसे वहाँ रख के टॉर्चर करते थे, वैसा अंडा सेल में अभी जो जनता का हित में काम कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ रख के टॉर्चर कर रही है। एक तो ये वहाँ मूवमेंट भी मुश्किल है, साई तो आप जानते हैं लेफ्ट हैंड पैरलाइज हो गई बिकॉज ऑफ द इनकार्सरेशन और राइट हैंड भी पार्शियली काम कर रहे, पूरा काम नहीं कर रहे, इसलिए लेटर्स लिखने में भी इनको बहुत टाइम लग रही है। ऐसा सिचुएशन में
हर वक्त इनका दो लोग हेल्प चाहिए, वो कोई भी कहीं बाथरूम जाना है, अगर पलंग पे लेटाना है, ये सारे दो लोग का बिना हेल्प के कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कंडीशन में भी इनको इस साल अगस्त में इनके अंडा सेल में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। क्या देखना चाहते हैं ये लोग? और इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है मेन गेट से अंडा सेल तक, अगर अंडा सेल में कोई तबीयत खराब हो गई, इनकी खबर सुपरिंटेंडेंट के मेन गेट तक पहुंचाने में आधा घंटे से ज़्यादा लगता है। ऐसा इतना हाई लेवल सिक्योरिटी में ये क्या इनको देखना चाहते हैं? ये अंडा सेल में ही सीसीटीवी लगाया गया, ये प्राइवेसी, ये फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी ऑफ प्राइवेसी एंड राइट टू लाइफ आल्सो। अभी साई डेथ एंड लाइफ रो बीच में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दो दिन पहले जो लेटर में यही बोला था, चेस्ट एंड स्टोमक एंड हैंड्स एंड लेग्स में बहुत क्रैम्प्स का पेन एंड स्पैज़म के वजह से बहुत प्रॉब्लम आ गई, हॉस्पिटल को 3 बार लेके गया। इस बार तो बहुत कुछ इमरजेंसी ही हुआ, वो लोग कुछ बातें कर रहे बट डॉक्टर्स ओपनली कुछ नहीं बता रहे, बट डॉक्टर्स ने कार्डियक सीनियर कार्डियक को कंसल्ट करने के लिए इनको कहा गया है। वैसा सिचुएशन में साई है, विंटर बहुत मुश्किल है इनका, कभी कुछ भी हो सकता है। और ब्रेथलेसनेस मतलब श्वास लेने में भी मुश्किल हो रही है इनको, चेस्ट पेन ऐसा फ्रीक्वेंटली आना ठीक नहीं, ऐसा गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी बताया है। और इनको रिसेंटली MRI में पता चला किडनी में भी सिस्ट है, ऑलरेडी ब्रेन में भी सिस्ट है, और एक लेफ्ट साइड स्टमक में लंप है, और कंटिन्यूस बैक पेन है, 24 आवर्स शूटिंग पेन रहता है, ये लेफ्ट हैंड पैरलाइज लेफ्ट हैंड में बैक पेन भी ऐसा ही है, ऐसा अनबेरेबल पेन। इसमें इनकी चेस्ट पेन एंड श्वास लेना भी दिक्कत हो रही है, बार बार बेहोश होके गिर रही है। ऐसा कंडीशन में भी इनको 3 बार पेरोल रिजेक्ट किया, 2 बार मेडिकल ग्राउंड्स में बेल रिजेक्ट किया, ये किस लिए हो रही? बट जो कुछ लोग वैसा गुंडे लोग रेपिस्ट मर्डरर्स इतनी फ्रीली बाहर आके घूम रही, बट ऐसा इतनी कठिन स्थिति में है जो जिनकी इमीडिएटली एम्स एडमिट करके ट्रीटमेंट करना है, ऐसा वहाँ गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी बता रही, रूमेटिक प्रॉब्लम है, वहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, ऐसा ये डॉक्टर्स कह रही, बट वो डॉक्टर्स कहीं लिख के नहीं देते हैं, यही प्रॉब्लम है। रिपोर्ट्स भी मेडिकल रिपोर्ट्स भी टाइम पर देते नहीं, वो जो नेक्स्ट हॉस्पिटल को लेके आने के लिए जो डेट्स देते हैं उस समय फिर इनको हॉस्पिटल लेके नहीं जाते हैं, कई टेस्ट भी नहीं हो पाते हैं इसीलिए। और ये इलाज वो काली दिखा रही, हॉस्पिटल लेके जा रही आ रही, वैसा वो रिकॉर्ड दिखाते हैं, कभी हमें कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड्स में बेल के लिए अप्लाई किया तो, बट वहाँ क्या हो रहे आगे का, वो तो रेगुलर फिजियोथेरेपी चाहिए बताया था, इसको श्वास की प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा सुबह शाम को बाहर आंगन में इनको घुमाना है, ये सब डॉक्टर्स ने बताया, वो कहीं हो रही नहीं है। जो डॉक्टर्स इनका जो दिखाया गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है नागपुर में, वो डॉक्टर्स बता रहे वही इलाज भी इनको नहीं करवाते हैं, ऐसा सिचुएशन में है अभी साई। ये साई का सिचुएशन मैं जानती हूँ और गौर से मिलके ये महसूस होती हूँ इनकी कितनी तकलीफ़ है, इसलिए मैं आपके सामने रख रही। बट वैसा देश में बहुत कई लोग हैं वैसा
ये पी एड रेकनाइन लाके वजह से 70% लोग इनोसेंट लोग अंदर है उसमें. ये पी ए में कन्विक्शन कितने हो रही, ऑलमोस्ट 3% ही हो रही, मतलब बाकी सारे लोग वैसे ही पड़ा रह रहे, सड़े रह रही ना. कुछ लोगों को ट्रायल भी नहीं चल रही, कुछ लोग का केसेस क्या है वो भी पता नहीं जेल में. ऐसा सिचुएशन में जेल्स भरा हुआ और ओवर क्राउडेड है जेल्स में. जेल हमें तो क्या पूछ रही, अगर आप जेल में रखेंगे तो भी जेल में भी खाना पीना और इनका जो मेडिकल का सुविधा भी होना है, बट वो नहीं है. ये इतनी कोविड और स्वाइन फ्लू अटैक हुआ, इन लोगों का तबीयत कितना ख़राब होता है, वहाँ क्या खाना कैसे होना है. ये पीला पानी जैसे दाल मिलता है, ये आधा उबाला हुआ रोटी आलू और कच्चा रोटी मिलता है, इससे क्या ताकत मिल जाएगा. ये ट्रीटमेंट तो बिल्कुल है भी नहीं. पांडू नरेटो ऐसा ही है, पांडू नरेटो को कब से ठीक नहीं, वो बोलते रहा फिर भी सुने नहीं. फिर अंडासिल में ये सब लोग प्रोटेस्ट करके तभी इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है. पांडुनारेटो 33 इयर्स ट्राइबल, 33 इयर्स ट्राइबल कोई स्वाइन फ्लू से मर जाएगा, ये कितना हास्यास्पद है. क्योंकि वो बचपन से जंगल में मलेरिया डेंगू ऐसा मच्छर से ही लड़के जिया, ओली खाली जुकाम से ये मर जाएगा. ये डेयर नेग्लिजेंस है, फिर अथॉरिटीज का, जेल अथॉरिटीज का डेयर नेग्लिजेंस है. हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद इनकी जो दवा चाहिए वो हॉस्पिटल में नहीं है, ख़त्म हो गई तो वो भी बताया नहीं है. ये इवन फैमिली मेंबर्स या एडवोकेट को बताने से एडवोकेट दिला देगा तब ये बच जाते हैं, बट ये प्रशासन ऐसा चलता है. ये जो दवा नहीं, ये बात बाहर आना नहीं है, इनके लिए मर गया ये भी पता बाहर आना नहीं है. और ये इनको हॉस्पिटल में कैसे नीचे पड़ा रहा, ये सलाइन एक रख के वो श्वास नहीं ले पा रहे एडवोकेट देखने से. इतनी में इतनी अंदर से अंडासेल में लड़ाई करके इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया पांडू नरेटो, फिर अगले दिन इनको ही डेथ हो गई. ऐसा सिचुएशन में कभी क्या खबर सुनना पड़ेगा, ऐसा हमारा मन कुचलते रहते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है. मैं ऐसा आसानी बात कर रही ऐसा नहीं है, मैं अंदर कितना दुखी हो रही. अभी ऐसा सिचुएशन में अभी साई है, देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है. बट ये जुडिशरी को क्यों ये समझे नहीं रहे, क्योंकि बिफोर द लॉ एवरीवन इज इक्वल, यही मैं पूछ रही. ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तो जुडिशरी बचाना चाहिए. यही मैं अपील कर रही है आप सबसे. साई और वैसा साई जैसे बहुत लोग हैं, ये भीमा कोरेगांव में 16 लोग उनको भी कैसे फंसा दिया आप जानते हैं. बट ये ऑलमोस्ट 7.5 इयर्स ये इंडिया एक्चुअली ये डिसेबिलिटी राइट्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन डिसेबल राइट्स का सिग्नेटरी भी है, उसमें क्या बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला रूल्स फॉलो होना है, इसमें प्रिजनर्स राइट्स आल्सो सिक्योर करनी है. प्रिजनर्स को जो बाकी लोगों को कैसे खाना और हेल्थ फैसिलिटीज मिलता है वो सब इनका मिलना है, ऐसा कहा गया है. बट ये सारे कागज़ पे ही है, कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे. और ख़ास कि हमारे जैसे जनता का पक्ष में बात करने लोगों का जो प्रिजन में है, तो उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिलता है. अभी ऐसा सिचुएशन है. अब ये देखिए फडणवीस बोलते हैं
ये गढ़चिरौली में डेवलपमेंट रुक गया कैसे? ये तो एक तरफ तो बोलते हैं हमें माओइस्ट को पूरा इनका मूवमेंट को ख़त्म कर दिया है, कुछ नहीं अभी ठीक है, हमें तो ये कर रही वो कर रही बोलते हैं, सारे जो खनिज वैल्यूबल मिनरल्स जगह मल्टीनेशनल कंपनीज को दे रही, ये डेवलपमेंट कर रही बोल रहे, ये डेवलपमेंट ट्राइबल्स चाहते हैं क्या? ये क्या है डेवलपमेंट? बट ऐसा ये बाहर ये डेवलपमेंट को रोका गया, ऐसा लोग को हाईकोर्ट छोड़ने से हम रोकेंगे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ऐसा ही बोला, वैसा अभी ये करके फिर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाया। बट वहाँ जनता क्या चाहते हैं? ये आप देखिए वरिष्ठा में है, कब से कितने एनवायरमेंटल मूवमेंट में कितने लोग वहाँ लड़ाई कर रहे, ये हम अपना जगह छोड़ेंगे नहीं, हर कितनी लोगों को मारपीट करके अंदर कर दिया, ये लोग क्या चाहते हैं? ये जनता सच्ची में वहाँ रहना चाहते हैं, वो पेड़ पौधे को बचाना चाहते हैं, जंगल और पहाड़ को बचाना चाहते हैं, बट ये लोग मिनरल्स के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज को देने के लिए ऐसा बहुत जनता का खिलाफ ही काम कर रहे हैं। ये ऐसा सिचुएशन में हम सब लोग एक इकट्ठा होके बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करना होगा, क्योंकि आगे का क्या बचते हैं पता नहीं, अभी तो बहुत सारे बेच दिया, अब हम भी टैक्स पेयर्स है, हम भी इस डेमोक्रेटिक कंट्री की हिस्सा है, फिर हमारे ऊपर ही ये दमन क्यों है, हम ये पूछना चाहते हैं, और उम्मीद है कभी भी सच्चाई रहेगा, हिस्ट्री ही बताते रहा, इसलिए ऐसे ही आने वाला दिनों में साई एंड अदर्स और बाकी जो जितनी इनोसेंट प्रिजनर्स EAPM में जेलों में जी रही, ये सबका रिहाई होने के लिए मैं उम्मीद रखती हूँ। मैं आप सबसे अपील भी कर रही, इस लड़ाई में आप सब शामिल होके लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए तैयारी में हर वक्त रहना है, यही मैं चाहती हूँ।